मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 19 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मंगलवार को इंदौर भोपाल में 9 और उज्जैन में एक मरीज मिला है। एमपी में 2 दिन बाद फिर कोरोना से एक मौत की रिपोर्ट आई है। यह मौत इंदौर में दर्ज हुई है। इंदौर में 1 नवंबर से विदेश से आए लोगों की जांच नहीं हो पाई है। डर इस बात का है कि यहां पर विदेश से आए 12 लोग पॉजिटिव मिले हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बिजली बिल और खाद्य संकट का मुद्दा छाया रहा। दोनों मुद्दों पर बहस के दौरान सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। भोपाल के कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कोरोना काल में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस संकट के दौर में भी बढ़े हुए बिजली के बिल उपभोक्ताओं को भेज रही है। मध्य प्रदेश में 3 दिन की कड़ाके की ठंड के बाद मंगलवार रात कुछ राहत मिली। यह पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ है। रात का पारा करीब 2 डिग्री चढ़ गया। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जेडी मिश्रा ने बताया कि बीती रात सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पचमणी और खजुराहो में रिकॉर्ड किया गया है। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की गाइडलाइन उलझ गई है। क्रिसमस से ईयर एंडिंग तक होने वाले जश्न पर भीड़ को खुली छूट रहेगी या रोक टोक होगी, यह ना तो पुलिस तय कर पा रही है और न ही जिला प्रशासन। धारा 144 के तहत अब तक किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं हो सके हैं। होटल, रेस्टोरेंट, पब, क्लब और ओपन स्पेस की गाइडलाइन नहीं आने के चक्कर में अधिकतर बुकिंग शुरू नहीं कर पाए हैं। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन का पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों के साथ साथ अन्य सीटों पर भी नतीजे घोषित किए जाएं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नई व्यवस्था जारी की है जिसके तहत मतगणना तो होगी पर नतीजे घोषित नहीं किए जाएंगे। निर्विरोध निर्वाचन के मामले में भी नतीजे घोषित नहीं होंगे।